Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor and in this video we are going to start the third part of history's fifth chapter, print, culture and the modern world. So let's start the video with the topic of the reading mania. Now during the 17th century and 18th century, literacy rate rose in Europe. तो 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो लिटरेसी रेट था यूरोप का वो बढ़ने लगा और साथ ही साथ डिफरेंट चर्चेस के थ्रू स्कूल्स का भी एस्टैब्लिशमेंट होने लगा और जो डिनोमिनेशंस है वो भी पर्टिकुलरली विलेजेस में एस्टैब्लिश होने लगे। अब ये डिनोमिनेशंस क्या है, डिनोमिनेशंस इज अ ऑटोनॉमस ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन चर्च। देन अब जिस तरह से लिटरेसी स्प्रेड होने लगी, बुक्स की भी डिमांड बढ़ने लगी और इसलिए बुक प्रोडक्शन में भी एक लार्ज इंक्रीमेंट आई। Print gave rise to new forms of popular literature targeting wider audience. Print की वजह से क्या हुआ? New forms of popular literature जो है, वो क्या करने लगे? ज़्यादा audience को target करने लगे, जिसमें almanacs, ballads, folk tales, penny chapbook and inexpensive books like Bibliotheque Bleue कहा था फ्रांस में। तो अब Almanacs क्या है? Almanacs जो है एक annual calendar है जिसमें important dates and statistical information included है। Then penny chapbook जो है ये एक small paper covered booklet रहती है और Bibliotheque Bleue जो है ये नाम है जो एक French book को दिया है जो कि inexpensive मतलब सस्ती book रहती है, जो एक small chapbook है जो एक blue paper पे, cheap blue paper पे print होती है। Then the periodical press emerged in the early 18th century combining news, current affairs and entertainment in newspapers and journals. तो जो periodical press है वो early 18th century में start हुई। अब इस periodical press की वजह से news, current affairs and entertainment जो है वो newspaper and journals के through लोगों तक पहुंच रहे थे। Print made scientific and philosophical ideas more accessible to the common people. प्रिंट के वजह से क्या हुआ, जो साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ थे वो कॉमन पीपल तक ज़्यादा इजीली पहुंच सकते थे। एंड एंशियंट एंड मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश, साइंटिफिक डायग्राम एंड मैप्स वर वाइडली प्रिंटेड एंड द राइटिंग्स ऑफ साइंटिस्ट लाइक सर आइजैक न्यूटन एंड द थिंकर्स लाइक थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक रूसो, अ ब्रॉडर रीडरशिप। मीनिंग वर्ड, जो एंशियंट एंड मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट थे उनको इकट्ठा किया गया और उनको पब्लिश किया गया। अब उसके साथ साथ जो साइंटिफिक डायग्राम्स थे, जो मैप्स थे, वो भी ज़्यादा मात्रा में प्रिंट होने लगे और जो साइंटिस्ट के राइटिंग्स है जैसे कि सर आइजैक न्यूटन है या जो थिंकर्स है थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक रूसो, इनके जो राइटिंग्स थे वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगे। लोग इस राइटिंग्स को पसंद करने लगे, उनके बुक्स को पसंद करने लगे। The widespread availability of printed material allowed the ideas of scientists, philosophers and thinkers to reach large audience. तो ये जो printed materials availability थी, इसके वजह से क्या हुआ, जो scientists, philosophers and thinkers के जो ideas थे वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे थे और ये जो ideas थे वो popular literature को influence कर रहे थे। साथ ही साथ जो लोगों के जो साइंस, रीजन एंड रैशनलिटी को देखने का जो नज़रिया था उसको भी चेंज कर रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो है ट्रेम्बल, देयरफॉर टिरंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अब ट्रेम्बल का मीनिंग होता है फियर और टिरंट्स मतलब डेस्पोटिज्म मतलब डिक्टेटरशिप या तानाशाही। सो बाय द मिड 18th सेंचुरी देर वॉज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट बुक्स हैड द पावर टू डिसमिनेट प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट इन द सोसाइटी। अब ये जो लाइन है ट्रेम्बल देयरफॉर टिरंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस लाइन से लुइस क्या कहना चाहते हैं कि बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डेस्पोटिज्म को हटा देंगे और बुक्स एंड प्रिंट के वजह से लोग जो है वो एनलाइटेंट होंगे और प्रोग्रेस के रास्ते पर चलेंगे। और इसीलिए मिड 18th सेंचुरी में ये ऐसा मानने लगे थे कि बुक्स में ऐसी पावर्स है कि जो प्रोग्रेस को स्प्रेड कर सकता है और सोसाइटी को एनलाइटमेंट कर सकता है। मेनी पीपल बिलीव दैट बुक्स कुड ब्रिंग अबाउट सोशल लिबरेशन बाय चैलेंजिंग एंड ओवरथ्रोइंग डेस्पोटिक रेजिम्स। तो बहुत से लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो बुक्स है वो क्या करेंगे, सोसाइटल लिबरेशन लाएंगे बाय चैलेंजिंग एंड ओवरथ्रोइंग डेस्पोटिक रेजिम। तो जो डिस्पोटिक रेजिम है, जो डिक्टेटरशिप है, उसको ओवरथ्रोन करेंगे, उसको चैलेंज कर सकेंगे। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सीन
as a revolutionary tools that could drive progress and change by making knowledge and ideas accessible to a wider audience. तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको एज अ रिवॉल्यूशनरी टूल के तरह देखा गया था, जो क्या कर रहा था, एक प्रोग्रेस ला रहा था और साथ ही साथ नॉलेज एंड जो आइडियाज थे लोगों तक पहुंचा रहा था, और इन सब के वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. इट वॉज बिलीव दैट द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस बाय द प्रिंटेड वर्ल्ड. ऐसा माना जाता था कि जो पब्लिक ओपिनियन का जो पावर है वो किसके वजह से इन्फ्लुएंस हुआ, प्रिंटेड वर्ल्ड के वजह से. And printed world could overthrow the despotism, establish a society ruled by reason and intellect. तो printed world में ऐसा power है कि वो despotism को overthrow कर सकता है, dictatorship को overthrow कर सकता है और साथ ही साथ ऐसी society establish कर सकता है जो reasons and intellect पे चले. In the novel of Louis Sebastian Mercier, reading books had a transformative effect on the characters leading to enlightenment and personal growth. तो जो नॉवेल्स थी लुईस सेबास्टियन मर्सियर की, उसमें ऐसा लिखा गया था कि बुक्स रीड करने के वजह से एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट आ जाता है उस कैरेक्टर में, साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ भी होती है. देन मर्सियर प्रोक्लेम दैट डेस्पोटिक रूलर्स शुड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, एम्फसाइजिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स ऑन चैलेंजिंग ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो मर्सियर का ये कहना था, तो ये जो डिस्पोटिक रूलर्स है उनको डर लगना चाहिए बिफोर द वर्चुअल राइटर्स एम्फसाइजिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड वर्ल्ड. तो मर्सियर का ये कहना था कि डिस्पोटिक रूलर्स जो है उनको डर लगना चाहिए कि वर्चुअल राइटर्स जो है वो प्रिंटेड वर्ल्ड पे इम्पैक्ट लाएंगे, जिसके वजह से जो ये ऑपरेसिव सिस्टम है गवर्नेंस का, लोग उसको चैलेंज करने लगेंगे, और इसीलिए जो ये डिस्पोटिक रूलर्स है उनको इस इन वर्चुअल राइटर्स से डरना चाहिए. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ट्रेम्बल देयरफॉर टिरैन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो प्रिंट कल्चर का और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या कनेक्शन है, आइए देखते हैं. नाउ प्रिंट कल्चर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स. तो प्रिंट कल्चर के वजह से जो एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडियाज है उसको पॉपुलराइज करने में और उसको स्प्रेड करने में प्रिंट कल्चर ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया. द राइटिंग ऑफ फिलोसोफर्स लाइक वोल्टेयर, रूसो, विच चैलेंज ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस एंड डिस्पोटिज्म वर वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंस रीडर्स टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड बिलीफ. तो जो राइटिंग्स थे फिलोसोफर जैसे कि वोल्टेयर और रूसो जैसे फिलोसोफर्स के जो राइटिंग थे, जो ट्रेडिशन को, सुपरस्टिशन को एंड डिस्पोटिज्म को चैलेंज करते थे, और ऐसे राइटिंग्स को पढ़ने के बाद रीडर्स जो थे उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते थे जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड बिलीव्स है उसको लेकर. प्रिंट फैसिलिटेट अ कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. प्रिंट जो है वो क्या फैसिलिटेट करता था, डायलॉग एंड डिबेट का कल्चर फैसिलिटेट करता था, वेयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर क्रिटिकली एग्जामिन्ड. जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, नॉर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता था. द पब्लिक बिकेम मोर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन एंड एक्टिवली क्वेश्चन एंड डिस्कस सोशल एंड पॉलिटिकल इशू. पब्लिक जो है पावर ऑफ रीजन को जानने लगे और उस पावर को पहचानने लगे और एक्टिवली क्वेश्चन करने लगे जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज है उसको डिस्कस करने लगे. दिस क्रिएट अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज इंक्लूडिंग those related to social revolution. और इन सारे question के वजह से, इन सारे power of reasons के वजह से एक fertile ground create हो रहा था, एक base create हो रहा था जो नए ideas को emerge करेगा और साथ ही साथ जो ideas social revolution से भी related थे. By the 1780s there was a surge in the literature that ridiculed the royalty and criticized their morality, raising question about the existing social order. तो 1780 के आसपास there was a surge in literature जो क्या करेगा, रॉयल्टी पर क्वेश्चन उठाएगा, क्रिटिसाइज कर रहा था उनके मोरालिटी को और साथ ही साथ क्वेश्चन उठा रहा था अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर पे. अंडरग्राउंड सर्क्यूलेशन ऑफ कार्टून एंड कैरिकेचर्स पोर्ट्रेट द मोनार्की एज सेल्फ इंडल्जेंट वाइल हाईलाइटिंग द सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल. तो जो अंडरग्राउंड सर्कुलेशंस हो रहे थे कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स के, वो क्या पोर्ट्रे कर रहे थे कि मोनार्की जो है वो एक सेल्फ इंडल्जेंट है और कॉमन पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं उनके वजह से.
दिस लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोविंग डिसेंट अगेंस्ट द मोनार्की, और इस लिटरेचर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया लोगों के मन में मोनार्की के अगेंस्ट डिसेंट लाने में, मतलब मोनार्की के जो भी रूल्स थे जो लोगों को सप्रेस कर रहे थे उस रूल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे ये लिटरेचर। वाइल प्रिंट हेल्प स्प्रेड आइडियाज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पीपल वर एक्सपोज टू द वैरायटी ऑफ लिटरेचर सोर्सेज इंक्लूडिंग द मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपोगंडा। तो प्रिंट ने बहुत सारी आइडियाज को स्प्रेड करने में हेल्प की, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पीपल वर एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, लोग जो थे वो वैरायटी ऑफ लिटरेचर सोर्सेज को एक्सपोज कर रहे थे इंक्लूडिंग मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपोगंडा। इंडिविजुअल सिलेक्टिवली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आइडियाज बेस्ड ऑन देयर इंटरप्रिटेशंस एंड बिलीफ। तो लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्टिवली आइडियाज एक्सेप्ट कर रहे थे या रिजेक्ट कर रहे थे, कि उनके जो भी रीडिंग्स के बाद उनके जो भी बिलीव्स हैं, उनके जो इंटरप्रिटेशंस हैं उस बुक को लेकर या उस आइडिया को लेकर, उसके बेसिस पे लोग अब सोच रहे थे और जो बिलीफ जो आइडिया उनको पसंद है उसको सिलेक्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, जो नहीं पसंद है उसको रिजेक्ट कर रहे थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप माइंड्स बट प्रोवाइडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली एंड चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव्स। अब प्रिंट ने डायरेक्टली किसी के भी माइंड को शेप नहीं किया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड की थिंकिंग की, और प्रिंट के वजह से अलग अलग वैरायटी ऑफ बुक्स को रीड करने के वजह से, अलग अलग थिंकर्स को रीड करने की वजह से लोग जो थे वो डिफरेंटली सोचने लगे। और साथ ही साथ प्रिंट जो है इसने एक इनडायरेक्ट हेल्प ऐसे भी की इन चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव्स। तो जो एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप है या डिस्पोटिज्म है उसको चैलेंज करने के लिए भी लोगों में जो पावर थी वो भी कहीं ना कहीं प्रिंट से ही आई। सो इस तरह से हमने देख लिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और प्रिंट कल्चर जो है वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है द 19th सेंचुरी। लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, हम ये टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प से सॉल्व करने हैं, और इफ आपको वीडियो में कुछ डाउट है तो वीडियो को रिवॉच कीजिए और टेक्स्ट बुक की हेल्प लीजिए। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।